हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। बड़ों को सादर प्रणाम, छोटों का ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। तो दोस्तों, अभी मैं दूध लेने जाने के लिए तैयार हो गई हूँ। देख सकते हो मेरा डोलू, दूध लेने जा रही हूँ। अभी 5 बजा हुआ शाम का। सुबह तो बहुत सारी बारिश हुई थी, उसके बाद धूप आ गई थी। अभी मौसम साफ है। खेलो। देखो यहाँ पे बच्चे बॉल खेल रहे हैं। तो वैसे ही चल रहा। आंटी को सब्सक्राइब करना, ज्यादा करना। चल भाई, खेलो। चल भाई, मैं ले रहा। देख सकते हो पपीता का पेड़ है, कितने अच्छे पपीते लगे हुए। चिड़िया है इधर, छोटे छोटे चिड़िया रखे हुए हैं। बस थे, एक मारी गया है, नौ ही रह गए हैं। ये बहुत बड़ा सा इन्होंने जाल सा बना रखा है। अभी मैं यहाँ पे दूध लेने आ रखी हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे गाय चारा खा रही है, उधर एक भैंस है और 3 गाय है। और ये बीच वाली और ये रेड वाली दूध नहीं देती अभी, तो एक ही गाय देती है दूध, एक भैंस देती है दूध। और इधर इस छोटे से बछड़ा सा है, ये बछड़ा सा है, बछड़ा सा है, ये बछड़ा सा है। वो देखो, देख सकते हैं कितना प्यारा सा है। हाय हाय, हाय। दूध निकाल रहे हैं, अभी बाजार से आए थे, थोड़ा आज लेट हो गए भैया। और प्योर दूध देते हैं सामने निकाल के। आप देख सकते हो भैया कैसे सामने निकाल रहे हैं। इन लोगों की वजह से हम लोग भी प्योर दूध पी पाते हैं, नहीं तो बाजार का दूध में तो बहुत मिलावटी रहता है। आप देख सकते हो इधर केले का पेड़ है, देख सकते हो। अब इधर केले का, दो केले के वो आ रखे हैं। मंदिर भी इधर छोटा सा भूमिया का। ओ, आगे आगे दो जा रहे हैं मेरे साथी, वो भी दूध लेके जा रहे हैं। चैनल दूध लेके घर पहुंच गए हैं, अभी दूध को गर्म करते हैं। मेरे पास 4 करेला पड़े हुए हैं, आज मैं इसका भरवा करेला बनाती हूँ। फिर उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको भरवा करेला मैं कैसे बनाती हूँ, और आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट में बताना। 4 करेला थे, लेकिन एक तो मेरा ख़राब आया, आधा बच गया, आधा सड़ गया था। क्योंकि मैं परसों लाई थी, तो करेला ज़्यादा दिन टिकते नहीं है, तो ये गल गया। ये मैंने इसका छिल्ला को उतार दिया है। अब मैं इस छिल्ला को फेंकूंगी नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल के फिर इसका पानी निचोड़ के एकदम, और उसके बाद मैं इसको मसाला बनाऊंगी। मसाला बनाने के लिए मैंने इसमें प्याज लिया, मैंने एक प्याज लिया है, तो इसको मैं थोड़ा सा ब्राउन हो लूँगी, तब तक मैं भूनूंगी इसको। उसके बाद जो मैंने करेले का वो छिल्ला निकाले थे उसको निचोड़ के फिर इसमें डाल दूँगी। मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालती, बस सिंपल सा ही बनाती हूँ। साथ साथ में मैंने आलू भी बॉईल करने के लिए रख दिया है, क्योंकि करेले के साथ तो हम रोटी खा नहीं पाएंगे। मैंने कहा थोड़ा सा आलू के हम सूखे सब्जी बनाएंगे, तो इसलिए मैंने आलू भी उबालने के लिए रख दिया है। इसमें करेले का वो मैंने डाल दिया जो मैंने छील के निकाले थे, आप देख सकते हो। अब इसमें मैं मसाला, सारा मसाला ऐड करूँगी। तो इसमें आप तो सौंफ डालना मत भूलना, क्योंकि सौंफ का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो बाकी चीज डाले ना डाले, लेकिन सौंफ जरूर डालना। तो आप देख सकते हो इसमें कितना पानी आया हुआ ये। तो इसको हम छान के, अगर जैसे किसी को डायबिटीज हो या तो वो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है करेले का जूस। तो देखो जूस बन के तैयार हो गया है। तो मैं तो पीऊँगी नहीं, मैं तो इसको फेंकूँगी। अगर किसी को डायबिटीज है तो उस लोग उनके लिए बहुत अच्छा है ये। मैं इसको इसमें मसाला डाल के और इसको मैं धीमी आँच में और इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी 15-20 मिनट। मसाला बन के तैयार हो गया मेरा। अभी थोड़ा देर मैं इसको ठंडे होने के लिए रख दूंगी, उसके बाद मैं भरूंगी करेले के अंदर। आलू भी बॉईल हो गए हैं और मसाला भी तैयार हो गया मेरा। तो अभी दोनों को ठंडे होने दूंगी, उसके बाद मैं आलू भी छीलूंगी और मसाला मैं करेले के अंदर भी भरूंगी। मैंने इसके अंदर के बीज निकाल दिए थे सारे, देखो। तो बीच में मैंने चाकू से चीरा लगा के अंदर का सारा बीज निकाल दिए हैं। मेरा मसाला भी रेडी हो गया है, अब मैं इसके अंदर भर देती हूँ।
मैंने करेला भर के तैयार कर दिए है, उसकी फिलिंग कर दी मैंने। और ये आप देख सकते हो, इसको हमने धागे से बांधे हुए ताकि मसाला फैले नहीं। अगर हम ऐसे खुला छोड़ देंगे तो सारा मसाला फैल जाएगा, इसलिए हमने उसको धागे से, देख सकते हो मैंने धागे से एकदम कस के बांध दिया है ताकि हमारा मसाला जो उसके अंदर फिलिंग भरी हुई है तो वो बाहर ना निकले। कढ़ाई में चढ़ा दिया है, अब हम इसके लिए आग एकदम धीमी धीमी रखेंगे आँच, नहीं तो एकदम जल जाएंगे। एकदम धीमी आँच में, जब तक ये अपना कलर चेंज नहीं कर देगा तब तक हम इसको आग में तेल में फ्राई करेंगे इसको हम। आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।